हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। यार कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बड़े होंगे। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यार कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ पे ईयरफोन है अभी आ रहे होंगे, तो इस वाले का जो भाई ये वाला ईयरफोन जो भाई ये कभी चलता है, अगर यहाँ से वायर अगर हिलती कभी नहीं चलता है, एक साइड का बंद हो जाता है तो कभी ये चलता नहीं है, कभी चलता है तो एक साइड ये जब वायर हिल जाती है तब ये चलता है, कभी 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 फिर बंद हो जाता है। तो वैसे इस तरह की प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वैसे आपके पास एक इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सोल्डरिंग होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप किसी से भी नॉर्मली टांग के लगवा सकते हैं, मोबाइल वाली शॉप से कहीं से भी। सो गाइस आज का भी वीडियो हम इसको सॉल्व करने वाले इस प्रॉब्लम को, सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखने लेना गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जब तक हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई, जब तक इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के लिए भाई मैं अभी नाइफ का जो है यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे में से कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो गाइस। तो चलिए यार टाइम वेस्ट ना करते हुए यार वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं, और स्किप करके मैं सीधा आपको सीधा ईयरफोन को जो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यार मैंने आपको देख सकते हो भाई, मैंने ये वाला ईयरफोन जो है इसको मैंने कट कर दिया है। आप देख सकते हो ईयरफोन को जो मैंने हटा रखा है यहाँ पे, और इसको मैंने खोल के जो अलग रख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो मैं इसको खोलने में। तो मैंने इसको निकाल दिया है, तो सबसे पहले मैं इसको टांग के निकाल देता हूँ इसको। तो इसको ओपन करने बाद जो है आप किसी मोबाइल वाले की शॉप पे जाके इजीली जो भाई इसको उसको पैसे देके, थोड़ा बहुत ही पैसे देगा यार, 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता है, उससे जो है आप शोल्डर कर सकते हो। और चाहे अगर आपको शोल्डर अगर खुद बनाना है गाइस, तो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चाहें उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने ये शोल्डरिंग आयरन बनाया है। और मात्र गाइस 40-50 रुपये में मैंने बनाया है, और ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई है, खुद ही बनाया है घर पे, आप भी बना सकते हो गाइस। भी टांग के जोड़ देता हूँ मैं इसको। सो गाइस मैंने इस पर भी जो है शोल्डर आयरन जो मैंने लगा दिया है और चिपका दिया, मैंने दोनों वायर जो है मैंने इस पर फिट कर दिए है। तो अब मैं इसको पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं इसको फिट करूँगा। वैसे इसको सबसे पहले फिट कर देते हैं गाइस इसको। तो मैंने ये जो टांके जो लगा दिए हैं आप देख सकते हैं, अभी बस इसको अभी टेस्ट करने की ज़रूरत है, बस को एक बार चेक कर लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ एक बार। तो वैसे सर मैंने इसके वायर जो है भाई जोड़ दिए हैं, और अब बाकी है इसको टेस्ट करने की, तो वैसे इसको एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा फोकस इन कर देता हूँ, तो ये देख सकते हो मैंने इसे कि वही वाले को है, आप ये मस्कुलर मैंने चेंज नहीं करी है। और ये मैं इस पर दोबारा आपको प्रॉब्लम बता दूँ, पहले हिलती थी और खुद ही जो है मतलब कभी ये चलती थी और कभी नहीं चलती थी, नीचे से हिलाने से तब जाके चलती थी, तो यही प्रॉब्लम थी इसमें। तो मैं इसमें NCS सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस यार आप सुन सकते हो, ये देखने में आपको पहले लोगो दिखा देता हूँ, मैं ये वाली ईयरफोन जो है इसमें कनेक्टेड है, तो देखिए ठीक है, तो ये कनेक्टेड है, नीचे रखता हूँ। ये जो ठीक वाली थी, ये वाली जो ठीक थी, मैं इसको माइक पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल के, आप ये देख सकते हो ये चल रहा है, और वाली भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मैं इसको दूर रख रहा हूँ, ये देख सकते हो, देखो मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप इससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये वर्किंग में आ गई है दोबारा से। तो गाइस यार इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके ईयरफोन में आती है तो आप इसको इजीली जो है रिपेयर कर सकते हो, घर में ही रिपेयर कर सकते हो गाइस यार, बाहर आपको कहीं भी या फिर दूसरी लीड परचेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इसको घर में अच्छे तरीके से जो है रिपेयर कर सकते हो इजी। और गाइस और आप अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, आप किस तरह से घर में बना सकते हैं सोल्डरिंग आयरन। और अगर आपको नई खरीदनी है तो भाई नई भी खरीद सकते हो, और वरना चाहे तो मोबाइल वाले को 5-10 रुपये देके उससे भी जो है टांग के लगवा सकते हो। मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो अभी ईयरफोन से जो चल नहीं रही है अभी फुली जो है वर्किंग करने लग गई है, और गाइस मैंने उसी तरह जो इसको फिट भी कर दिया है, ये दोनों जो है भाई हो चुकी है रिपेयर। वैसे अगर आपको भी अपनी ईयरफोन रिपेयर करनी है तो आप इस तरीके से वही रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपका ये यूँ हिलाने से या फिर ऐसे कभी एक वो ईयरफोन चलते एक नहीं चलता, आप इस तरीके से यहाँ से वायर कट करके आप से डायरेक्ट यहाँ पे जो है इस वायर को जोड़ दीजिए, और तो आपकी ईयरफोन जो भाई वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गाइस। जब आप अच्छा लगता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है आगे से और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।